तो दोस्तों ये है गार्डन और ये है नहर छोटी सी, जो कि जहाँ पर इंडिया गेट बना है वहाँ पर ये बनी हुई है। और नहीं भी तो गाइस देख लो, काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा बगीचा है। बगीचा सामने गाइस पार्किंग है और यहाँ पे घास साफ कर रहे हैं, घास की कटिंग हो रही है गाइस। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? तो गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है जो कि इंडिया गेट के ऊपर है, और आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो गाइस ये है ब्रिज ही बोलेंगे हम इसको, क्योंकि पार करने के लिए है, उस साइड जाने के लिए, जो काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है गाइस ये। और सामने गाइस इंडिया गेट है, और बीच में आ जाता है रोड, जो कि आपको रोड पार करके जाना पड़ता है, क्योंकि मैं अभी दूसरी साइड हूँ। तो गाइस रोड पार करने के लिए इन्होंने अंडरपास बना दिया, जो कि आप यहाँ से जाओगे डायरेक्ट वहाँ पर निकल जाओगे, आपको रोड पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वापस आओगे तो भी वहीं से गाइस आप डायरेक्ट आ जाओगे, रोड पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस ये इन्होंने बोर्ड लगा रखे काफ़ी बड़े बड़े, गाइस आप वीडियो को रोक के गाइस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा, गाइस नक्शा छाप रखा है इन्होंने। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी आपको काफ़ी मिल जाएगी, और इसके सामने ही बच्चों का, जो कि काफ़ी फेमस है गाइस, चिल्ड्रन पार्क, वहाँ पर बच्चे बुज़ुर्ग आराम से मतलब टाइम पास कर सकते हैं। और शाम के टाइम गाइस, और दोस्तों यहाँ का जो शाम का माहौल है ना, काफ़ी अच्छा माहौल है। आप कभी भी अपने परिवार के साथ या खुद जाओगे, दोस्तों के साथ जाओगे, तो गाइस आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो और गाइस जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, उनको मैं बता दूँ कि भारत की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है, जो कि काफ़ी ऊंचा एरिया, मतलब काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाला एरिया। जगह जगह पर आपको काफ़ी पुलिस मिलेगी, हर ट्रैफिक लाइट पर आपको पुलिस मिलेगी, आर्मी वाले साइड में खड़े मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गाइस बाहर देशों के जो सदन है ना, जिन्हें हम एम्बेसी कहते हैं, वो यहाँ पर है गाइस। और यहाँ पर होटल मौर्या भी है उसी रास्ते में धोला कुआ से आगे, जो कि बड़े बड़े लोग वहाँ पे आगे रुकते हैं। तो दोस्तों ये तो पता चली गया होगा कि वहाँ पे हाई सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी है और काफ़ी बड़े लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पे, और वहीं पे सारी चीज़ें हैं गाइस इंडिया गेट के आसपास। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इंडिया गेट किसने बनाया। तो गाइस इंडिया गेट का निर्माण सुल्तान जहांगीर की जो बेटी थी उनके नाम पर हुआ था, और इसे डिज़ाइन दिया था सिर लूटनेट सर एडवर्ड और लॉर्ड लूटन ने। तो गाइस काफ़ी अटपटा नाम है ये, देख लो आप। तो दोस्तों इंडिया गेट का निर्माण 1921 में महात्मा गांधी द्वारा आरंभित कार्यक्रम का परिणाम है, और गाइस ये इसका काम 1921 में शुरू हुआ था, और 1931 में इसका गाइस उद्घाटन हो गया था इंडिया गेट का, मतलब टोटल इसको 10 साल लगे थे बनने में। और दोस्तों इंडिया गेट न केवल ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि ये भारत की एकता और गौरव का भी प्रतीक है गाइस। इसके आसपास बगीचों से गाइस ये भरा हुआ देख सकते हो आप काफ़ी एरिया, और आप मिलिट्री भी देख सकते हो काफ़ी, मतलब पूरा बहुत बड़ा गार्डन है गाइस। और दोस्तों आप जब भी कभी जाओगे यहाँ पर, तो आपको काफ़ी भारी भीड़ मिलेगी, टूरिस्ट तो आते ही हैं यहाँ पर, और जो कि आसपास के बच्चे हैं, काफ़ी दिल्ली में जो रहने वाले बच्चे हैं वो पिकनिक पर भी आते हैं गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से गाइस, जो कि बसों में आते हैं, वो भी मतलब काफ़ी भारी भीड़ रहती है गाइस यहाँ पे। और ये है गाइस वो अंडरपास, और यहाँ पे भी ये देखो गाइस फोटो लगा रखी है पूरी, मतलब आपको पूरा नक्शा बता रखा है गाइस यहाँ पे, आप वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और गाइस इसी रास्ते से मैं उस पार जाऊँगा, इंडिया गेट की तरफ जाऊँगा, जो कि विदाउट रोड ही पहुँच जाऊँगा मैं गाइस, नीचे से डायरेक्ट उस पार निकल जाऊँगा, फिर वापस आते समय भी मैं यही अंडरपास से ही आऊँगा। तो गाइस ये लगभग 12-13 बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे, टोटल आप पढ़ सकते हो रोक के। तो दोस्तों यकीन मानना कि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही इंडिया गेट गया हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे दिल्ली में रहते, लेकिन इंडिया गेट में फ़र्स्ट टाइम गया हूँ, ये समझ लो कि मैंने देख भी लिया पूरा और नहीं भी देखा, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि अमर जवान ज्योति भी थी, जो कि जलती रहती थी हमेशा, जिसे यहाँ से गाइस हटा दिया गया है और उसे किसी म्यूज़ियम में रख दिया गया है, जो कि शायद प्रगति मैदान के आसपास है, वहाँ पे एक और है ज्योति। तो सरकार का ये कहना था कि गाइस उसमें थोड़ा खर्चा आता था, तो एक जगह कर दी है तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा गाइस, इसलिए उसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो गाइस वो मैंने नहीं देखी अमर जवान ज्योति, तो गाइस ये देखिए मैं आ चुका हूँ उस पार से, हम यहीं से गाइस ये वो रास्ता है जहाँ से आप उस पार भी जा सकते हो। तो अभी मैं आ चुका हूँ गाइस इंडिया गेट की तरफ, ये सामने आप देख सकते हो इंडिया गेट, और काफ़ी लोग बैठे हुए यहाँ पर भी गाइस, ये बोर्ड लगा रखे हुए हैं देखने के लिए, ये है गाइस अंडरपास, ये देखिए गाइस ये वही बोर्ड लगा रखे पानी के, ये इंडिया गेट की फ़ोटो है,
और भी पूरा नक्शा गाइस आप समझ जाओगे इन बोर्डों को देखने के बाद समझ जाओगे गाइस टोटल। और गाइस अब तो मैंने सिटी वैसे चेंज कर दिया, तो गाइस अगर कभी जाना होगा तो मैं भी अमर जवान ज्योति देखूंगा और इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर मैं दिखाऊंगा। तो गाइस इस अंडरपास का काफ़ी फ़ायदा है गाइस, अभी बनाया है या काफ़ी पहले से बना हुआ गाइस इतना तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी प्रॉपर तो फर्स्ट टाइम ही गया हूँ। तो काफ़ी फ़ायदा है गाइस इसका, बिना रोड पर जाए आप अंदर अंदर ही जा सकते हो, कि रोड वोड पे जाने की कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के साथ फैमिली के साथ डायरेक्ट अंडर पास से निकलो डायरेक्ट उधर। तो गाइस देखो पानी भी देखो गाइस कितना साफ है दोनों तरफ, तो काफ़ी बड़ा मतलब ये नहर बना रखी है, बीच में ये फाउंटेन है गाइस, सामने इंडिया गेट है। तो दोस्तों आप भी कभी जाओ अपने फैमिली के साथ तो या दोस्तों के साथ जाओ तो गाइस गाड़ी को पार्किंग में लगा देना ज़रूर, क्योंकि बिना पार्किंग के गाड़ी कब कोई उठा लेगा, कोई तो क्या उठाएगा, पुलिस वाले उठा ले जाएंगे तो पता नहीं लगेगा, और काफ़ी चक्कर काटने भी पड़ जाएंगे और उनको खामा खा पैसे देने पड़ जाएंगे 200-250 रुपये। इससे बढ़िया 20 रुपये पर्ची के 20-30 रुपये पर्ची के दे दे, वो अपने लिए बढ़िया है। और दोस्तों अभी तक आपने हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह वाली वीडियो नहीं देखी तो गाइस आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप क्लिक करके देख सकते हो। और गाइस कुछ वीडियो और बची है मेरे पास, 2-4 वीडियो है जो कि दिल्ली की है बनाई हुई, तो वो भी डाल देंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो गाइस उम्मीद है कि इंडिया गेट वाली वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, निज़ामुद्दीन वाली वीडियो भी आप देख सकते हो आई बटन में जाके, तो गाइस ज़रूर देखना। और वीडियो गाइस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और तो गाइस कमेंट भी ज़रूर कर देना। और बाकी अपनी जयपुर सीरीज इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे अपन, और फिर रेगुलर अपनी वीडियोज आएगी गाइस अभी तो। और गाइस देखिए पेड़ ही पेड़ गाइस, कितने पेड़ लगे हुए हैं। तो बस गाइस हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, हर जगह पे मतलब पेड़ लगाने चाहिए उखाड़ने से ज़्यादा, क्योंकि जितने पेड़ उखड़ते हैं उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि लगते होंगे। या कोई कोई ऐसी जगह है गाइस जहाँ पे ये सब प्रोग्राम भी चलाया जाता है कि पेड़ लगाओ, तो और कई कई राज्य गाइस ऐसे हैं जहाँ पे पेड़ मतलब काफ़ी हद तक लगाए जाते हैं, हर महीने में भी लाखों पेड़ लगाए जाते हैं गाइस। तो बस पेड़ की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि यही हमें छाया देते हैं, यही फल देते हैं। और गाइस ये देखिए फाउंटेन, और ये गाइस डस्टबिन है, ये गाइस देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा ना। और गाइस यकीन मानिए रात को इसका नज़ारा काफ़ी बेहतर लगता है, वैसे मैं नाइट में कभी नहीं गया, नाइट में गया मैं तो दिन में गाइस फर्स्ट टाइम गया हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में। यहाँ पे मतलब आप आराम से पेड़ की छाँव में बैठ सकते हो, फुल मतलब एंजॉय कर सकते हो। और गाइस इसमें एक गेट भी बना हुआ है इंडिया गेट के अंदर, तो इंडिया गेट के अंदर अब जाने नहीं देते, चैन लगा दिए, पहले तो जाने देते थे। और इसके ऊपर गाइस कुछ लिखा हुआ भी है जो कि आप पढ़ लेना इसको, वीडियो को पोस्ट करके मैंने बिल्कुल पास से उसकी वीडियो बनाई है, जो कि उस पर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है। तो दोस्तों पास से ये देखना और भी काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी बेहतरीन लगता है ये पास से। ये देखिए गाइस यहाँ से देखिए नीचे से शूट करिए गाइस, ये देखिए गाइस ये लिखा है, इसको आप पोस्ट करके देख सकते हैं गाइस इसमें लिखा हुआ। और ये गाइस ये देखिए स्टैचू, ये देखिए गाइस जय हिंद, ये गाइस सुभाष चंद्र बोस की है शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप कमेंट करके मेरे को बताना किसकी है ये। और यहाँ पे बंदे सामने खड़े हो गए ऐसे ही सैल्यूट मारते। और ये देखिए गाइस भीड़ देखिए गाइस। तो गाइस इसके ऊपर जो इंडिया गेट लिखा हुआ है, इसके टॉप पे गाइस लाइन लिखी हुई है, उसको मैंने जूम करा था गाइस, अगर आपको साफ साफ नज़र आया तो आप पढ़ने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो। जिस दिन मैं गया था गाइस उस दिन तो फिर भी इतना क्राउड नहीं था, वैसे संडे और सैटरडे वाले दिन, सैटरडे के मुकाबले संडे वाले दिन जो भीड़ रहती है ना यहाँ पे काफ़ी हद तक रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है गाइस। आप ये अंदर देख सकते हो ये पूरे राउंड बना रखा है, ये चैन लगा दिए यहाँ पे, बंद कर दिया है। और ये अंदर देखिए आप फोर्स खड़ी है, ये देखिए गाइस, तो है ना गाइस कितना बड़ा। और ये पेड़ देखिए गाइस, पौधे देखिए छोटे छोटे। अभी गाइस एक और चीज़ दिखाऊंगा मैं, देखो जो उस पर लिखा हुआ है, ये देखिए गाइस यहाँ से देखिए, अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से भी एक चीज़ लिखी हुई है,
इसको आप वीडियो को पॉज करके गाइस ज़रूर देखना। ये देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो गाइस ये लिखा हुआ है, इस पर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो। और वीडियो अच्छी लगे तो गाइस, जो मैंने पहले बोला, पहले वाली वीडियोज़ में नहीं बोला क्योंकि वीडियोज़ ही नहीं आई है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखना गाइस, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना गाइस। ये देखिए वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे, और गाइस मैं भी अकेला ही गया था, मैं भी तो गाइस किसी के साथ गया नहीं था। हाँ एक वीडियो जो मैंने शूट करी थी वो मेरे दोस्त के साथ शूट करी थी, कुतुब मीनार वाली, लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट था, दूसरा गया, मैंने पहला भी नहीं डाला, लेकिन जो मैंने पार्ट बनाए थे उसमें दूसरा पार्ट जो था मेरा, वो फ़ोन मेरा खो गया गाइस, तो वो जो दूसरा पार्ट था उसमें हो गया, और जो पहला पार्ट था वो भी अभी ऐसा ही हो रखा है, तो वीडियो ज़्यादा मतलब इतनी अच्छी नहीं है वो, तो दोबारा उसको क्रिएट करने की वो है उसमें ज़रूरत। तो ये गाइस नीचे से मैंने वीडियो बनाई थी, थोड़ा मतलब अपनी कलाकारी थोड़ी करके देख रहा था, फर्स्ट टाइम है ना इसलिए देख रहा था कैसा क्या बनती है और कैसे बंदे बना लेते हैं इतनी अच्छी वीडियो। तो अपना तो बस स्टार्टिंग ही है, शुरुआत ही है अपनी, तो बस आप लोगों का गाइस सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह काफ़ी आगे तक जाएंगे, और आपको पसंद आएगी तो आप ज़रूर सपोर्ट करोगे। बाकी मिलेंगे गाइस ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और निज़ामुद्दीन वाली वीडियो को जाके देखें, एक और वीडियो जदेश्वर वन वाली है, वन प्लस वाली है, अगर हो सका तो गाइस उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और निज़ामुद्दीन वाली वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई बटन में दे दूंगा। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, और गाइस फटाफट अपने 4000 घंटे भी कंप्लीट करवाए दो, अब तो सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट करवा दिए, थैंक यू सो मच गाइस।